दरअसल हम लोग बस्तर के सवाल पर या NHRC आए हुए थे। लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कानून के खिलाफ है, व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ भी है। और ये कोई बस्तर के लिए एकदम नई बात नहीं है। सिविल सोसाइटीज़ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ लीगल हेड ग्रुप के जो सालनी है, ईशा है, उससे पहले मालनी सुब्रमण्यम है, उन पर भी बस्तर के अंदर पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के लोग भी हैं, पुलिस के पाले हुए गुंडे भी हैं। ये अभी बेला भाटिया पर हुआ, वो भी अब चर्चा में है। इससे पहले अगर यही देखेंगे तो नंदनी सुंदर पर नामा एक गांव जो मेरे इलाके से लगा हुआ गांव है, मेरे इलाके कई गांव हैं, वहाँ एक हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले में उनको और उनके साथ तीन चार और, विनीत तिवारी है, संजय पराते हैं, अर्चना प्रसाद है जो प्रोफेसर हैं, और हमारे यहाँ की जो सरपंच है मंजू कवासी, उन पर 302 के मामले कायम किए गए। और अभी अभी जो इसी बीच में और मुझ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मेरे ऑफिस में कुछ अग्नि के लोगों ने आक्रमण किया, कुर्सी तोड़ा, ना जाने क्या क्या उत्पात मचाया। पुलिस वहाँ मौके पर, SP वहाँ मौके पर, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जितने घटनाएं हुई हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजब बात तो यह है, सब पर FIR किया हुआ है। बस्तर की पुलिस, खास करके कल्लूरी के नेतृत्व में जो हो रहा है, उसका एक मेरे पर जो हुआ उसको आप तो यहाँ सभी लोग हैं, अपने अपनी बात कहेंगे। सुकमा में एक मेरे फोन पर एक मैसेज आया देवी दुर्गा और महिषासुर के सवाल को लेकर, और वो मेरे फ़ोन से कहीं और वायरल हो गया और वो पुलिस तक पहुंच गया, FIR हो गया। FIR ही नहीं, यानी तत्काल FIR हो जाता है। और 17 सितंबर को अग्नि का एक बड़ा रैली था, पुलिस के द्वारा आयोजित रैली, उसमें मेरे खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगाए जाते हैं, पूरे पुलिस का ही पूरा कार्यक्रम था उसमें। और फिर कल्लूरी जो वहाँ का IG है, कल्लूरी आजकल बड़ा नाम चर्चा में, और उसने मेरे खिलाफ लगातार अभियान चलाना शुरू किया। वहाँ एक परंपरागत कुछ पोस्ट है वहाँ के राजाओं के द्वारा बनाया हुआ, मांझी चाल की होता है, उनको बैठक बुलाया, दंतेश्वरी मंदिर एक नाम है वहाँ दंतेवाड़ा में, वहाँ उन सारे मांझियों को बुलवाया, बकरा मारा, मुर्गा खिलाया, कुछ पिलाया भी। उसके बाद उनसे फिर मीटिंग कहलवा करके बोला कि देखो मनीष कुंजाम दुर्गा पर ऐसा ऐसा बोला, उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। वो सारे मांझियों को भड़काना चालू किया, उसमें कुछ लोगों ने कुछ आपत्ति भी किया, अपने ढंग से कुछ कहा भी, पर उसका कोई मतलब नहीं। फिर प्रेस को बुलाया वहाँ, मेरे खिलाफ जितना बकवास करना था किया। ये 20 या 22 सितंबर की बात है, 26 सितंबर को कल्लूरी सुकमा में एक सभा, अग्नि द्वारा आयोजित सभा में मेरे खिलाफ देशद्रोही, सबसे बड़ा नक्सली और ना जाने क्या क्या नहीं कहा। वहाँ का SP जो दंतेवाड़ा जगदलपुर का, जो कल्लूरी का सबसे बड़ा चम्मच है, RN दास, वो यहाँ तक बोलता है कि मनीष कुंजाम जैसे आदमी को जूतों की माला पहना करके घुमाना चाहिए जनता को। इस हद तक है बकवास। अगर पुलिस का प्रमुख और पुलिस स्वयं भी इस टाइप के कोई विवादित मामले में वो खुद एक पक्ष होकर के अभियान चलाता हो, मीटिंग करता हो, और ऐसे इलाके में आप क्या अपेक्षा करोगे। इसलिए तो ये सारी घटनाएं हो रही है।
गांव में आजकल खूब चर्चा है, बोले हाँ कल्लूरी आया और दो साल के भीतर नेक्सलियों को ख़त्म कर देने वाला। मोदी जी भी गए छत्तीसगढ़ का वो जो स्थापना दिवस मनाने के लिए, वहाँ उनको सबसे पहले स्वागत के लिए पेश किया गया। वहाँ वो कहते हैं कि दो साल में हम नक्सली ख़त्म कर रहे हैं। इसके मूल में देखिए, नक्सली कोई ख़त्म नहीं होने वाले, वो संभव भी नहीं है इस तरह से। लेकिन ये जो जिस तरीके का प्रचार हो रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को बुला करके सिलेंडर कराओ, फिर उनका खूब हल्ला करवाओ, बोले इतने सारे लोग सिलेंडर कर रहे हैं नक्सलियों से छोड़ करके, ये उस समय अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, बोले जगह जगह बड़ी बड़ी मीटिंग है, पुलिस प्रायोजित मीटिंग है, ज़्यादातर मीटिंग है नक्सलियों के खिलाफ। लोग जा भी रहे हैं, त्रस्त भी है, हर तरीके से त्रस्त हैं, परेशान है। अब जितनी घटनाएं आप जहां हत्या के मामले जिसको नक्सली पुलिस पेश करती है, नक्सलियों को मारा हमने ऐसा, जहां जहां लोग स्वयं गांव के लोग होकर के उसका खिलाफत कर रहे हैं, ये मानिए कि वो फर्जी है, कंप्लीट फर्जी है। कहीं ऐसा है कोई नक्सली मारा जा रहा है तो वहाँ कोई सवाल उठाता भी नहीं है, लेकिन इसमें अधिकांश जहाँ जहाँ मामले उठे, लोगों ने खुद अपने से, हम लोगों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए, और वो सब फर्जी घरों से पकड़ रहे हैं, रात में अचानक मोटरसाइकिलों से जाना या और तरीके से जाना, जा कर के लड़कों को उठाना, फिर थोड़ा कुछ दूर ले जाने के बाद उसको ख़त्म कर देना, फिर सुबह या दूसरे दिन तक बोले ये सबसे बड़े नक्सली हैं और इनको हमने मार डाला, उनसे फिर तरह तरह के हथियार बरामद की दिखा देते हैं। तो ये एक नाटक चल रहा है बस्तर के अंदर। और महिलाओं पर अत्याचार की बातें तो आप लोग बताएंगे, चाहे वो कुन्ना का हो, पिदा गेलूर का हो, नेंड्रा का हो, ये सारे मामले अच्छे नहीं हो रहे हैं इस बस्तर के अंदर बिल्कुल। वहाँ कोई पुलिस तो कम से कम कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। और एक नया तरीके का एक दहशत शुरू हो गया बस्तर के अंदर। जब देवी वाला मामला आया, जब मुझ पर अटैक हुआ, तो बस्तर में जो अलग अलग सामाजिक संगठन है अपने आदिवासियों का, सर्वादिवासी समाज है, कोया समाज है, अलबा समाज है, दुर्वा समाज है, महारा समाज है, और दूसरे बहुत सारे समाज हैं, सबके अपने संगठन है, जाति संगठन है, कुछ सब लोग मिलकर के संगठन बनाया है। और उन लोगों ने इसका विरोध किया, बोले मनीष कुंजाम पर गलत FIR हुआ, उसको वापस लिया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है। और कई जगह पे पुलिस के खिलाफ जो अग्नि है उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश हुआ, पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको रोका, डराया, धमकाया, पकड़ के वापस भेज दिया, ये तमाम चीज़ें हुई। अने आप तो कुछ भी कर लोगे, अग्नि वाले बिल्कुल नंगा नाच करेंगे, वो सब छूट है, लेकिन पुलिस के खिलाफ अगर कोई सवाल उठाने वाला या अग्नि के खिलाफ कोई सवाल उठाने वाला कोई अगर कार्यक्रम हो, धरने हो, विरोध हो, तो वो आप नहीं कर सकेंगे। ये एक तरह से पुलिस का गुंडागर्दी, एक तरफा गुंडागर्दी चल रहा है बस्तर। हम लोग कहाँ आखिर अपना तकलीफ बताएं? वहाँ राज्य में जो भी संस्थाएं हैं उन पर तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में भी अच्छी धारणा पहले तक नहीं थी, अभी तक भी ठीक ठाक नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ आकर के हर मामले में सुप्रीम कोर्ट कैसे आया जा सकता है? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग का सलवा जुर्म के खिलाफ हम लोग का ही मामला है जो अभी तक चल रहा है, उसमें हम भी उस पिटिशनर हैं, लेकिन हर मामले सुप्रीम कोर्ट कैसे जाया जा सकता है? तो ये हमारी पीड़ा है, ये तो हम जैसे लोगों की, आम लोग तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते, कोई बोलने की हालत में नहीं है, बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। यहाँ सोनी भी बैठी है, मैं सोनी का जिक्र नहीं किया, वो तो यहीं आकर के उन्होंने इलाज कराया, वो भी पुलिस का ही करतूत है, पुलिस प्रायोजित घटनाएं हैं। बस्तर सचमुच देश का हिस्सा है, इसमें देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान वहाँ लागू है,
ये कहने में हमको थोड़ा संकोच ही हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये बोल पा रहे हैं कि नहीं, ये देश का हिस्सा भी है, संविधान उसमें लागू है, ऐसा कह पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये हमारी पीड़ा है।